किए गए हैं, जो महागठबंधन की सरकार की पहली बैठक अपराध को लेकर अपराध कार्रवाई की जानकारी पल पल की मीडिया को देने के निर्देश दिए गए हैं। जमीन विवाद को भी जल्द निपटाने के आदेश दिए हैं नीतीश कुमार ने। तो सबकी बड़ी खबर, हाई लेवल मीटिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो 11 बजे शुरू हुई थी सुबह, वह खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। तो बढ़ते अपराध को लेकर नीतीश कुमार ने एक हाई लेवल मीटिंग की है और इस मीटिंग में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही, कोई भी शिथिलता ना बरती जाए, अपराधियों को किसी भी हाल में ना बख्शा जाए। चलिए इस खबर पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ संपादक राजेश कुमार जुड़े हुए हैं इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ। राजेश जी, एक अहम बैठक इसको माना जा रहा है क्योंकि बीते दिनों में राजधानी पटना सहित बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां अपराध चरम पर है और ऐसे में मुख्यमंत्री पर कई सवाल उठ रहे हैं, कई आरोप लग रहे हैं। महागठबंधन की सरकार जब से बनी है, ये पहली हाई लेवल मीटिंग है, क्या कुछ कड़े निर्देश मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिए हैं अधिकारियों को? देखिए, सरकार बदलने के बाद या यूं कहें गठबंधन चेंज जैसे ही हुआ है, तो ये महागठबंधन की जो सरकार बनी है उसके बाद आपने ठीक कहा, ये पहली हाई लेवल मीटिंग है। इससे पहले कोई हाई लेवल मीटिंग नई मुख्यमंत्री ने की है, लेकिन हाल के दिनों में जो घटना घटी है उस घटना को देखते हुए मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष ये सवाल कर रहा है और सोशल मीडिया पर भी ये लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर जो सुशासन का दावा भरने वाली जो सरकार थी, आज की तारीख में मौन और खामोश क्यों है, आज की तारीख में अपराधी हावी क्यों हो गए हैं, क्रिमिनल अपराधी क्यों हो गए हैं। तो इन तमाम सवालों को देखते हुए नीतीश कुमार ने आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें डीजीपी थे, चीफ सेक्रेटरी थे और पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और साथ ही साथ मुख्यमंत्री के सामने वो तमाम साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, वो तमाम रिपोर्ट रखी गई जिसकी समीक्षा की गई। इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए, हाल के दिनों के घटनाक्रम को देखा जाए तो नीतीश कुमार के लिए एक चिंता का सवाल है, चिंता का सबब है कि जिस नाम से और जिस कार्य शैली के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं उस शैली पर ही सवाल उठता है। ये पटना का सिद्धौर थाना का जो इलाका है, या यूं कह लें कि नीतीश कुमार के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हो गई, डीएसपी पर हाथ उठाया गया, डीएसपी के कॉलर तक हाथ पहुंच गई। यानी मैं तो ये भी कह रहा हूं कि गृह मंत्रालय और सामान्य प्रशासन लगातार 17 साल से मुख्यमंत्री के जिम्मे ही है। अगर किसी पुलिस वरीय पुलिस पदाधिकारी के कॉलर पे हाथ रखा जा रहा है तो ये तय मानिए कहीं ना कहीं ये नीतीश कुमार के कॉलर पे हाथ है। और शायद इस घटना के बाद नीतीश कुमार को ये लगने लगा कि अब वक्त है, वक्त रहते ही अब इस पर अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि हाई लेवल मीटिंग आज बुलाई गई और इस मीटिंग में डीजीपी समेत, चीफ सेक्रेटरी समेत, तमाम जिले के जो एसपी हैं उन सभी लोगों को निर्देशित किया गया कि ऐसे तमाम लोगों को चिन्हित किया जाए जो समाज में विद्वेष फैला रहे हैं, जो समाज में गड़बड़ियां पैदा कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित किया जाए और वैसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। साथ ही साथ एक और जो बड़ी समस्या रही है, और अगर बिहार के पूरे अपराध को आप देखेंगे, इसका अगर अपराध का जो आप कह सकते हैं कि तौर तरीका अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे बड़ी घटना रही है, सबसे ज्यादा अगर आकलन है अपराध में वो है जमीन से संबंधित विवाद का सबसे बड़ा हाथ रहा है और सबसे ज्यादा केस इसी से आए हैं। तो मुख्यमंत्री ने आज एक बार फिर, हालांकि इससे पहले भी मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं, आज एक बार फिर उन्होंने कहा कि जमीन से संबंधित कोई भी सूचना मिल रही। राजेश जी, ये जो मीटिंग है, भले ही नई सरकार के गठन के बाद ये पहली बैठक है, लेकिन अमूमन अगर देखा जाए तो ये पहली बैठक नहीं है, नीतीश कुमार की ही सरकार पहले भी थी और नीतीश कुमार के पास ही पहले भी गृह विभाग था और उन्हें ही जिम्मेदारी मिली है क्योंकि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर का जो कमान है वो उन्हीं के हाथ में। तो ये पहली बार तो बैठक नीतीश कुमार ने की नहीं, जो भी उन्होंने निर्देश दिए हैं अधिकारियों को वो भी पहली बार नहीं दिए। अपराधियों पर, अपराधियों को नक्शा जाए, जमीन विवाद का जल्द से जल्द निपटारा हो, ये जनता दरबार में भी वो कहते आए हैं, लेकिन एक ही बात को बार बार कहने के बावजूद भी या तो अधिकारी उनकी नहीं सुन रहे हैं या तो फिर अपराधियों का मनोबल चरम पर है। ये सच्चाई है कि नीतीश कुमार को खुद
जो वो निर्देश देते हैं उस निर्देश पर खुद मंथन करने की जरूरत है, चाहे वो जनता दरबार में दिया गया निर्देश हो या समीक्षा बैठक में दिया गया निर्देश हो कि 17 साल से वो लगातार निर्देश दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हीं के जो अधिकारी, इसमें कई ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले कई सालों से नीतीश कुमार के साथ हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर मुख्यमंत्री कह रहे हैं और उनके जो सबसे खास जो सबसे नजदीकी अधिकारी हैं वो भी अगर नहीं सुन रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि इन तमाम अधिकारियों के साथ बैठने की जरूरत नहीं है। मुख्य सचिव बिल्कुल राजेश जी, मुख्य सचिव वही है, प्रधान सचिव वही है, डीजीपी वही है, तमाम अधिकारी वही है। गश्ती के हमेशा निर्देश दिए जाते हैं, रात्रि गश्ती को बढ़ाने के निर्देश दिए जाते हैं, जमीन विवाद को निपटाने के निर्देश दिए जाते हैं। एक ही निर्देश को मुख्यमंत्री हर समीक्षा बैठक में देते हैं, लेकिन या तो उनके निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है या तो फिर अपराधी नहीं सुन रहे हैं, कुछ तो कमी है। देखिए, सच्चाई ये है कि नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक को उनके ही अधिकारियों ने मजाक बना दिया, रूटीन बैठक बना दिया है। लोगों को ये लगने लगा है कि नीतीश जी बुलाएंगे, हम लोग जाएंगे, चाय नाश्ता कॉफी चलेगा और उसके बाद वही रटा रटाया पिछले 17 साल से जो निर्देश देते आ रहे हैं वही देंगे। अगर मेरा तो कहना है कि नीतीश जी अगर लगातार ये निर्देश दे रहे हैं उसके बाद भी घटनाएं घट रही हैं और वो अधिकारी नहीं सुन रहा है, तो मुझे लगता है सबसे जरूरी है उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने की, उन अधिकारियों को हटाने की, उनसे सवाल पूछने की कि साहब अगर लगातार कहा जा रहा है उसके बाद भी आके आप बात नहीं सुन रहे हैं तो कार्रवाई, तो मुझे लगता है कि उनके जो खास जो अपने आसपास में उन्होंने तमाम बड़े अधिकारियों को रख रखा है, जरूरत इस बात की है कि उन्हीं पर कार्रवाई करने की जरूरत है। और मुझे लगता है जब तक वो अपने बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक उनकी तमाम समीक्षा बैठक, तमाम निर्देश धरे के धरे रह जाएंगे और यही बता रहे हैं कि आज की तारीख में उनके कहने का कोई मतलब नहीं रह गया है। अधिकारी खुद गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो जब अधिकारी ही गंभीरता से नहीं लेंगे तो फिर अधिकारी के द्वारा दिया गया जो बयान है या कुछ निर्देश है उनके मार्फत काम करने वाले जो अधिकारी हैं तो क्यों गंभीरता से। बीते दिनों एक बयान दिया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कि बिहार में जंगल राज नहीं है, बिहार में जनता राज है और जो भी घटनाएं घटती हैं वो देश के हर राज्यों में घटती हैं। और ऐसे में विपक्ष ने सवाल उठाया है कि यदि जनता राज है तो क्या इस तरह अधिकारी के साथ, पुलिसकर्मी के साथ मारपीट होगी, ये जनता राज है। लगातार हत्याएं हो रही हैं, अब बेखौफ अपराधियों का मनोबल इतना चरम पर है कि एक व्यवसायी है, स्वर्ण व्यवसायी, वो घर से बाहर निकल रहा है, नहीं निकल पा रहा है, उसके बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या ये जनता राज है? यही बात तो अब विपक्ष पूछ रहा है नीतीश जी से। नीतीश जी आप बताइए, अगर ये जनता राज है तो क्या किसी अधिकारी पर हाथ उठाना ये जनता राज है? किसी से फिरौती मांगना ये जनता राज है? किसी का चैन छीन लेना जनता राज है? तो ये बड़े ऐसे सवाल हैं और अक्सर नीतीश कुमार कहते हैं और नीतीश कुमार के तमाम बड़े अधिकारी और तमाम सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं कि हमारी स्थिति तो बहुत बेहतर है। मेरा सवाल ये है कि ये कहना कि मध्य प्रदेश का क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, हम तो 24वें नंबर पे हैं, तो क्या ये सुकून देने वाला है? ये तर्क संगत जवाब नहीं है। आप जरा ये भी देखिए कि महाराष्ट्र और दिल्ली कहाँ है, आप उससे तुलना क्यों नहीं करते? तो जब बचने के लिए आप एक आंकड़ा देते हैं कि हम अपराध के मामले में भी बहुत पीछे हैं, हमारा लाइन ऑर्डर बहुत बेहतर है, ये उचित नहीं है। बेहतर ये हो कि हम यहाँ की कानून व्यवस्था को बेहतर करें नीतीश जी। साथ ही साथ जो कह रहे हैं कि जनता राज है तो ये देखना चाहिए कि जनता राज है क्या। नीतीश जी ये दावा करेंगे कि कोई भी जनता का FIR उनके थाने, किसी भी थाने में बिना पैसे का नहीं होता है? क्या जनता राज का यही मतलब है कि ब्लॉक में चले जाइए, CO कार्यालय में चले जाइए, साधारण एक जमीन की रसीद कटवानी हो, बिना कर्मचारी से लेकर अधिकारी पैसा लिए हुए काम नहीं करते, तो क्या यही जनता राज है? तो जनता राज कहने से नहीं होगा, नीतीश जी को ये करके दिखाना भी होगा कि रियल में जनता राज है, जहाँ क्राइम नहीं है, जहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, कानून व्यवस्था बेहतर है, जनता चैन की नींद सो रही है। तो ये होना चाहिए, सिर्फ कहने से नहीं। आप हाल के दिनों में एक चीज और बड़ी विचित्र स्थिति है कि नीतीश जी से जब भी आप सवाल पूछिए तो इस तरह से झल्ला रहे हैं जैसे लग रहा है कि कोई सवाल पूछने वाला कोई बहुत बड़ा। पहली बार नहीं है राजेश जी, इसके पहले भी जब अपराध पर सवाल किया गया था मुख्यमंत्री ने कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाए थे और कहा था कि अगर डीजीपी फोन नहीं उठा रहा है कैसे ऐसा हो गया, आप डीजीपी को फोन लगाइए। ये पहले भी हो चुका है, जब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपराध पर सवाल पूछा जाता है
वो झुंझला उठते हैं, वो भड़क उठते हैं, तो क्या ये समाधान है, ऐसे थमेगा अपराध? नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं थमेगा। और मुझे तो लगता है नीतीश जी को अगर संन्यास ले लेने की जरूरत है, उम्र ज्यादा हावी हो गई है। जब भी आप किसी भी तरह से अगर कोई सवाल उनसे पूछ लीजिए तो जल्ला जाते हैं और सवाल पूछने वाले को इस तरह से जवाब देते हैं जैसे लगता है कि वही अपराधी हो। वैसे आप चाहे पटना के पत्रकार हो या दिल्ली के पत्रकार हो, हाल के दिनों में उनके तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप देख लीजिए, क्योंकि जब भी उनसे सवाल पूछा जाता है तो इसी तरह से बयान देते हैं। बेहतर ये होता कि मुख्यमंत्री ये जो रुआब है और ये जो गुस्सा है अपराधियों पर दिखाते तो ज्यादा बेहतर है। अगर उन अपराधियों पर कार्रवाई होती तो ज्यादा बेहतर है। यही 2005 से 2010 का जो कार्यकाल रहा वो नीतीश जी का सबसे बेहतर और स्वर्णिम कार्यकाल रहा, लेकिन 2010 के बाद आज तक की स्थिति अगर देखी जाए तो लगातार हालात बेहतर नहीं कह सकते। और ये कहना कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, बहुत बेहतर है, सच्चाई क्या है, हम लोग बिहार के ही रहने वाले हैं, कोई बिहार से बाहर के नहीं है, बिहार के बाहर की जनता को आप बदल सकते हैं, हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, यही देख रहे हैं और आप से नहीं देख रहे हैं, पिछले 20-25 सालों से यही देख रहे हैं, तो यही जन्म हुआ है, यही कर्म हुआ है, विकास क्या हुआ है, कानून व्यवस्था कैसी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर इस पर गंभीरता से मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं करेंगे, मुख्यमंत्री इस पर ध्यान नहीं देंगे तो स्थिति और भी बदतर होगी। स्तुति और बद से बदतर होगी। तमाम बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी।